कुमार, आप देख रहे हैं राइट्स एम्प्लॉइज। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है फ्रेंड्स कि आपके आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड इशू होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि हमारे आधार कार्ड से पैन कार्ड इशू है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपने सिर्फ आधार नंबर से ही पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, प्रोसेस बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। मैंने इसका लिंक अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप क्लिक करके आप डायरेक्टली इस साइट पर आ जाएंगे। जैसे आप फ्रेंड इस साइट पर आए जाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होकर आ जाएगा जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर में लिखा हुआ है पैन सर्च नो योर पैन कार्ड नंबर बाई आधार, यानी कि आप अपने आधार कार्ड के नंबर से ही आप अपना पैन कार्ड नंबर जान सकते हैं। अगर बना होगा फ्रेंड्स आपके आधार कार्ड नंबर से आपका पैन कार्ड इशू होगा तो यहाँ पे शो करेगा, अगर नहीं इशू होगा तो भी आपको स्टेटस दिख जाएगा कि बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे फ्रेंड्स, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर और यहाँ पे आपको अपना या फिर अपनी एप्लीकेशन नंबर, कभी कभी क्या होता है जैसे आप अपना पैन कार्ड को अप्लाई करते तो एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन नंबर भी डाल सकते हैं। ये अगर आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं पता है तो आप आधार नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, आधार कार्ड नंबर है। उसके बाद यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फ्रेंड्स सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक नोटिफिकेशन इशू होकर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स ऑलरेडी लिंक अगेंस्ट, यानी कि हमारे जो आधार कार्ड नंबर है उससे पैन कार्ड इशू है, यानी कि हमारा पैन कार्ड बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो आपका पैन कार्ड नंबर होगा लास्ट के 2 डिजिट और पहले के 2 डिजिट यहाँ पे शो करेगा, तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि आपका जो पैन कार्ड है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से आप पैन कार्ड नंबर की आगे। और फ्रेंड्स, आप इस तरीके से आप अपने आधार नंबर के माध्यम से अपने पैन कार्ड का स्टेटस भी देख सकते हैं और आपका पैन कार्ड बना हुआ है या नहीं बना है तो आप इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।